मेरा नाम है प्रकाश और आप देख रहे हो आपका अपना YouTube चैनल जिसका नाम है प्रकाश एक्स वाई जैसा कि आप देख पा रहे हो कि मैं खड़ा हूँ सलोम्बर में और ये सलोम्बर उत्खंड से सीधा उदयपुर जिला बन गया है। आपको पता होगा कि माननीय मुख्यमंत्री जी ने अपने बजट भाषण में राजस्थान प्रदेश में 19 नए जिलों और 3 संभागों की घोषणा कर दी थी और उसमें सलोम्बर भी जिला शामिल हो गया और सलोम्बर का जिला बनने से ही सलोम्बर वासियों में खुशी की लहर दौड़ हैशटैग चल रहा है। तो मेरे साथ कुछ युवा साथी खड़े हैं, बैठे हैं, इनका मैं फीडबैक लेना चाहूंगा कि सलोम्बर को जिला बनाए जाने पर उनको कैसा लगा है, उनका जो फीडबैक है मैं उनका लेना चाहूंगा। जी सर, आपका क्या नाम? जी मेरा नाम मोइन खान। जी आपका मेरे यूट्यूब चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है, वेलकम है, इस्तकबाल है। तो सलोम्बर जिला बन गया, ठीक है, इसके लिए आप जो सलोम्बर वासी है, ठीक है, उनको आप क्या कहना चाहोगे? सलोम्बर वासी के लिए तो बहुत बड़ी सौगात है हमारे जन नायक अशोक जी गहलोत साहब और हमारे CWC मेंबर, पूर्व मेंबर रघुवीर जी मीणा और प्रद्युमन जी कोड़िया, इन सब के अब्दुल रऊफ उप चेयरमैन साहब, इन सब के मतलब कोशिशों से जिला बनना और बहुत ही खुशी और हम सब के लिए बहुत ही बड़ी बात है ये कि हम ये बचपन से सुनते आ रहे थे कि सलोम्बर को जिला बनाओ। खुशी की बात क्या होगी हमारे लिए, बहुत ही अच्छा महसूस कर रहे हैं सलोम्बर की जनता। और परसों बहुत ही अच्छा हमने जुलूस भी निकाला था और अच्छा माहौल भी क्या था, खुशी जाहिर की थी, मतलब बता नहीं सकते हम आपको। हाँ, और इससे क्या आगे रोजगार के बहुत से मार्ग खुलेंगे, बहुत से लोग देश विदेश में भटकते हैं वो कम होगा, अब यहाँ पे काम धंधों की लाइन भी अच्छी रहेगी और नौकरी पैसे से लोग भी आएंगे, बिजनेसमैन यहाँ पे पैसा इन्वेस्टमेंट भी करेंगे, गवर्नमेंट भी अपना पैसा इन्वेस्ट करेगी, सब तरह से बहुत अच्छा रहा। हम बहुत खुश है, आरजे 58 हो गए, अब हम भी हमारा खुद का लेवल हो गया राजस्थान में, जो भी हम सोए हैं अब आरजे 58 वाले सलोम्बर वाले। जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद है हमसे जुड़ने के लिए, बात करने के लिए। कुछ मेरे साथ और भी युवा साथी है, कैसा लग रहा है जो नगर है सलोम्बर जिला बन गया, कैसे खुशी जाहिर करोगे आप? मेरा नाम सादाब खान है और हमें बहुत खुशी हुई सलोम्बर जिला बना, अब विकास होगा सलोम्बर का। और हमारे अशोक गहलोत साहब का धन्यवाद, उन्होंने हमारी कोशिशों के बावजूद जिला बनवाया, बस इतना ही मैं कहना चाहूंगा, हमारे जिला में बहुत खुशी हुई है। मेरी जो ऑडियंस है उनको आप छोटी सी लाइन में क्या कहना चाहोगे? मैं क्या बोल सकता हूँ इसके बारे में, बहुत अच्छी बात है जिला बन गया, बहुत लोग भी बहुत खुश है, हम भी खुश है। जी बहुत बहुत धन्यवाद हमसे जुड़ने के लिए, बात करने के लिए। और भी हमारे साथ कुछ युवा साथी हैं, इनका भी हम फीडबैक लेना चाहेंगे कि सर आपका इस्तकबाल है मेरे यूट्यूब चैनल पर, और आप प्लीज क्या नाम है आपका? मेरा नाम मोनू खान है। हाँ, कैसा लग रहा है आपका उदयपुर सलोम्बर को? सलोम्बर जिला बनने में हमें बहुत खुशी हो रही है, पूरा डेवलपमेंट होगा सलोम्बर जिले में, अब अच्छा हर चीज होगी, इसके लिए हम बहुत खुश है। और अशोक गहलोत जी का बहुत बहुत शुक्रिया सलोम्बर जिला बनाने में, और रघुवीर जी का भी बहुत बहुत शुक्रिया, हम इसके सपोर्ट में है और आगे भी बहुत साथ देंगे सलोम्बर जिले में और सब कुछ करेंगे बहुत ज्यादा। धन्यवाद आपका। जी बहुत बहुत धन्यवाद हमसे जुड़ने के लिए, बात करने के लिए। और भी कुछ युवा है और जो दुकानदार है उनका भी फीडबैक लेना चाहूंगा मैं, और इतने साथी युवा साथी मेरे साथ जुड़े इसलिए इनका महत्वपूर्ण समय निकाला मेरे लिए, इसके लिए इनको बहुत बहुत। मैं भी खड़ा हूँ तुर्की दरवाजे से और यहाँ मेरे साथ कुछ युवा और नागरिक है, उनका मैं फीडबैक लेना चाहूंगा। सर क्या नाम है? मोहम्मद खान बटान। जी आपका हमारे YouTube चैनल पे इस्तकबाल है, स्वागत है, क्या कहना चाहूंगा? आपका नगर था वो शहर जिला बन गया, ये सलोम्बर नगर वासियों की बहुत पुरानी मांग थी 40 साल से जो पूरी हुई, अशोक गहलोत जी का बहुत बहुत आभार, इससे सभी का रोजगार बढ़ेगा सलोम्बर जिले का, जो काम 70 किलोमीटर दूर जाके करने पड़ते हैं वो अब सलोम्बर यहीं पे हो जाएगी, सर सुविधा मिल जाएगी, इसके लिए हम श्रीमान अशोक जी गहलोत जी का बहुत बहुत आभार व्यक्त करते हैं। जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद है मेरे यूट्यूब चैनल से जुड़े, और अंत में एक लाइन में आप हमारे जो ऑडियंस है देखने वाले उनको क्या मैसेज देना चाहोगे? यहाँ से अब ये जिला बन गया था, आपको काम काज सारा मिल जाएगा और अच्छे वर्क मिलेंगे और बेरोजगारी कम होगी, बिल्कुल रोजगार के नए अवसर तैयार होंगे
और किस तरह की सुविधा यहाँ लोगों को देखने को मिलेगी? ये रोडवेज डिपो है, कलेक्ट्री है, रेलवे ये पुलिस लाइन है, कलेक्ट्री है, हॉस्पिटल है, ये ऐसी बहुत सी सुविधा है जो दूर दराज जाना पड़ता था, वो सारी सुविधाएं जिला होने से सलूम्बर में उपलब्ध हो जाएगी। जी आपका हमसे जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जैसा कि आपको पता है कि माननीय मुख्यमंत्री जी ने अपने बजट भाषण में प्रदेश में 19 नए जिले और 3 संभाग की घोषणा की थी। मैं अभी हूँ तुर्की दरवाजा सलूम्बर में और सलूम्बर को भी जिला घोषित कर दिया, जिला बना दिया गया है। तो यहाँ के जो स्थानीय निवासी है, यहाँ के लोग है, उनका मैं फीडबैक जानना चाहूंगा कि उनका जो जिला है वो जिला बनने पर उनको कैसा लग रहा है। जी क्या नाम है आपका? चंद्र प्रकाश मेहता नाम है, सेरिया रहता हूँ, ये तहसील है मेरी, और जिला बनने से बहुत खुशी है। हर लोगों को काम मिलेगा, अच्छा काम होगा। अशोक गहलोत जी और रघुवीर सिंह मेहता और परमानंद जी मेहता की बदौलत ये जिला बना है और इनकी साख से अच्छा होगा। जी किस तरह के नए नए रोजगार यहाँ तैयार होंगे और किस तरह की यहाँ सुविधाएं बढ़ेगी, हमारे जो ऑडियंस से देखने वाले उनको आप क्या कहना चाहोगे? सुविधा दवाखाना आएगा, आरटीओ आएगा, आरटीओ आ चुका है टाउन नंबर, उसके बाद दूसरे कलेक्ट्री है, ये है, हॉस्पिटल आ रहा है, घोषणा हो चुकी है, और कुछ सुविधा मिलेगी, एक आधी फैक्ट्री आएगी, चल रही है, उसके बाद कोई कोई काम आएगा, लोगों को रोजगार मिलेगा, जो लोग बिल्कुल जाते थे तो यहाँ हो जाएगा, जो पढ़ने वाले लोगों के लिए बच्चों के लिए जगह नहीं मिलती थी उदयपुर में भाड़े से रूम, यहाँ लाइब्रेरी खुल रही है और पढ़ेंगे लोग और अच्छे सर्विस की उम्मीद है और सीटें निकलेगी, लोगों को नौकरियां लगेगी, जो बेरोजगार लोग है, बच्चे लोग है, उनको सबको सुविधा मिलेगी। जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमसे जुड़ने के लिए, बात करने के लिए। और जैसा कि आपको पता है कि मैं बांसवाड़ा निवासी, क्या नाम है आपका? मेरा नाम रियाज अहमद है, बांसवाड़ा जिला हूँ मैं। मुख्यमंत्री जी ने जो रास्ता निकाला है और जो 19 जिलों को साथ में करके 50 जिले जो घोषित किए हैं, उसे बहुत तहे दिल से हम उनको बधाई देते हैं, साथ में अमन्य जी को। फिर से स्वागत है इस्तकबाल है मेरे YouTube चैनल पे। और जैसा कि क्या नाम है सर आपका? जय जयमन नाम है मेरा, बांसवाड़ा जिले से हूँ मैं। बहुत बहुत खुशी हुई सलूम्बर को जिला घोषित किया, उसके साथ में मुख्यमंत्री जी अशोक जी गहलोत साहब ने 19 जिलों को शामिल किया और 50 जिले राजस्थान के बनाए, उससे भी बहुत दिल से बहुत खुशी हुई दिल से। और उसके साथ अशोक गहलोत साहब को, अमन जी को और महेंद्र सिंह मालवीय जी कैबिनेट मंत्री को सबको तहे दिल से बहुत बहुत बधाई है। और सलूम्बर रघुवीर जी को भी बहुत बहुत बधाई है। और सलूम्बर में जो हमारे भाई रहते हैं उनको रोजगार मिलेगा, यहाँ पे काम मिलेगा, कलेक्ट्री बनेगी, उसके बाद एसपी साहब इधर बैठेंगे और एसडीएम साहब बैठेंगे, सारे काम के साथ में यहाँ पे औद्योगिक कार्य भी होगा और मजदूर जो है आज के टाइम में पिछड़े हुए हैं, इंशाल्लाह ये जिला घोषित होने से रोजगार में तरक्की होगी और सभी को फायदा होगा, ओबीसी वगैरह सबको। और एक बार फिर राजस्थान कांग्रेस गवर्नमेंट को दिल से मैं बधाई अर्पित करता हूँ। जी आपका बहुत बहुत स्वागत है, आपने अपना महत्वपूर्ण समय निकाला मेरे लिए। और जी हाँ बिल्कुल, जिला घोषित कर दिया गया है, यहाँ पर विकास के साथ कुछ व्यापारी खड़े हैं, इनका मैं फीडबैक लेना चाहूँगा, परिचय करवाना चाहूँगा। सर आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पर, क्या नाम है? मैं गोपाल एजेंसी से गोपाल बाहेती बात कर रहा हूँ। और जो सलूम्बर को मुख्यमंत्री जी ने जिला घोषित किया है, उससे यहाँ के सभी क्षेत्रवासियों में एक खुशी की लहर है कि इससे सलूम्बर और आसपास के गांवों का एक जो भौगोलिक विकास है और एक पूरा विकास है, वो विकास होगा। उस विकास को देखते हुए मुख्यमंत्री ने जो छोटे छोटे जिले बना के उनकी घोषणा करी है, राजस्थान के लिए ये बहुत ही फायदेमंद रहेगा, राजस्थान की जनता के लिए भी रहेगा, राजस्थान के लिए भी रहेगा और व्यापारी और आम जनता सबके लिए ये जिला बना है, ये बहुत ही अच्छी बात है और सबके लिए फायदा रहेगा इसमें। जी विकास के किस तरह के नए आयाम जुड़ेंगे और रोजगार के जो अवसर है वो कैसे तैयार होंगे, आप थोड़ा हमारी जो ऑडियंस है देख रही है उनको आप
बताएं। इसका मैं एक उदाहरण देना चाहूंगा आपको कि आज के युग में हर आदमी प्लॉट खरीदता है, प्लॉट खरीदते ही वो उस पर मकान नहीं बनाता, प्लॉट खरीदता है पहले उसकी रजिस्ट्री होती है, बाद में वो व्यवस्था करता है। इसी प्रकार मुख्यमंत्री ने भी प्लॉट दे दिया है, अब इसकी व्यवस्था अब जनता भी करेगी, सरकार भी करेगी, उसके बाद मकान बनेगा, एक नया आयाम आएगा। उस नए आयाम के तहत इस सलूमर के अंदर बहुत से डिपार्टमेंट आएंगे, बहुत से अफसर आएंगे, उनके परिवार आएंगे, इंडस्ट्री वगैरह खुलने के भी चांसेस ज़्यादा रहेंगे। तो उससे क्या है कि एक विकास के नए युग की शुरुआत होगी। जी बिल्कुल, आपका बहुत बहुत स्वागत है मेरे YouTube चैनल पर। आपने एक महत्वपूर्ण सामान निकाल कर हमारे ऑडियंस से उनको आपने इतनी जानकारी दी, इसके लिए आपका धन्यवाद।